क्या आपको पता है कि आप में से अधिकतर लोग एक ऐसा जानवर पालते हैं जो कि अपनी ही टट्टी खाता है। जी हाँ, और क्या आपको पता है कि अगर आज आपका जन्मदिन है तो आज सिर्फ आपका ही जन्मदिन नहीं है बल्कि आज आपके साथ साथ पूरे 2 करोड़ लोगों का जन्मदिन है। इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी चिड़िया होती है जो कि पीछे की तरफ भी उड़ सकती है। ये चिड़िया आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन में उड़ सकती है और इस चिड़िया का नाम है हमिंग बर्ड और इसके इन्हीं शानदार करतबों के कारण इसे द फ्लाइंग निंजा के नाम से भी जाना जाता है। क्या आपको पता है कि अगर इस धरती पर ग्रेविटी ना हो यानी कि गुरुत्वाकर्षण ना हो तो एक ही दिन में इस धरती पर जितने भी पक्षी हैं वो सब मौत के घाट उतर जाएंगे क्योंकि पक्षी कभी भी अपने खाने को चबाकर नहीं खाते हैं। अगर इस धरती पर ग्रेविटी ना हो तो एक भी बर्ड अपने खाने को नहीं निगल सकता क्योंकि बर्ड्स कभी भी अपने खाने को चबाकर नहीं खाते हैं और इसीलिए अगर ग्रेविटी ना हो तो जितने भी पक्षी हैं वो कभी भी अपना खाना नहीं खा पाएंगे और इसी के चलते उनकी डेथ भी हो सकती है। ये जो जानवर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो इसे जिराफ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगली फैक्ट की ओर। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या आपको पता है कि ये जिराफ जितने सुंदर दिखने में होते हैं उतनी सुंदर उनकी हरकतें तो बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि जिराफ जो है वो अपने कान के मैल को साफ करने के लिए अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पता है कि इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स में से सबसे कॉमनली यूज होने वाला अल्फाबेट कौन सा है? ये सवाल सुनते ही आप में से 99% लोगों का जवाब ये वाला अल्फाबेट होगा, लेकिन नहीं। इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स में से सबसे कॉमनली यूज होने वाला अल्फाबेट ई है। जी हाँ, और सबसे कम यूज होने वाला अल्फाबेट क्यू है। क्यों हिला डाला ना? क्या आपको पता है कि अगर आज आपका जन्मदिन है तो आज सिर्फ आपका ही जन्मदिन नहीं है बल्कि आज आपके साथ साथ करीब 2 करोड़ लोगों का जन्मदिन भी है। क्या आपको पता है कि हमारी धरती पर एक ऐसा देश है जिस देश में एक भी एक्टिव वोल्केनो मौजूद नहीं है और हैरान करने वाली बात ये नहीं है कि सिर्फ एक ही देश ऐसा है जिसमें एक्टिव वोल्केनो मौजूद नहीं है बल्कि हैरान करने वाली बात तो ये है कि एक देश को छोड़ के बाकी सारे देश ऐसे है जिसमे की एक्टिव वोल्केनो मौजूद है जो कि कभी भी। क्या आपको पता है कि अगर आपने शहद को अच्छे से हीट किया और उसे प्रॉपरली सील किया तो वो बिल्कुल भी मॉइस्चर अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा और इसी के चलते वो जिंदगी भर के लिए फ्रेश रहेगा जब तक कि आप उसका सील ओपन नहीं करते। आप सभी ने स्पाइडर को यानी कि मकड़ी को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि मकड़ियां जो होती है वो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं होती, उन्हें एनिमल्स के ग्रुप में रखा गया है। आपको क्या लगता है कि फ्रेंच फ्राइज का आविष्कार किस देश में हुआ होगा? फ्रेंच फ्राइज का नाम सुनते ही 99% लोगों को तो यही लगेगा कि अब फ्रेंच फ्राइज है तो फ्रांस में ही हुआ होगा ना इन्वेंशन, लेकिन नहीं। आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि फ्रेंच फ्राइज का आविष्कार फ्रांस में नहीं बल्कि बेल्जियम में हुआ था। क्या आपको पता है कि ये छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बिल्ली 100 अलग अलग प्रकार की आवाजें निकाल सकती है? जी हाँ। अब बिल्लियों की बात चल ही रही है तो कैट से रिलेटेड एक और मजेदार फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बिल्ली अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी तो सोने में ही बिता देती है। अब मामला बिल्लियों की नींद तक आ ही चुका है तो सोने से रिलेटेड एक और मजेदार फैक्ट सुनिए। ये जो जानवर अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो इसका नाम है क्वाला और ये भालू सी शक्ल का जानवर। इस चीज के ऊपर नहीं बोलने का बिल्कुल। सॉरी। तो ये जो क्वालाज होते हैं वो एक दिन में यानी कि पूरे 24 घंटों में 18 घंटों तक तो सोते ही रहते हैं।
क्या आपको पता है कि हमारा कौन सा बॉडी पार्ट ऐसा होता है जो कि चोट लगने पर बाकी बॉडी पार्ट्स के मुकाबले सबसे तेजी से ठीक होता है? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारी जीभ यानी कि टंग एकमात्र ऐसा बॉडी पार्ट होता है जो कि चोट लगने पर सबसे तेजी से हील होता है। एक अजीब सी मजेदार सी बात सुनिए। एक समुद्र है जो कि संपूर्ण अमेरिका से करीब 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी वो दुनिया का सबसे छोटा समुद्र है और उस समुद्र का नाम है आर्कटिक ओशन। अब आते हैं आज के सबसे अजीब फैक्ट पर, जो कि एक ऐसे जानवर के बारे में है जो कि अपनी खुद की ही टट्टी खाता है, और वो जानवर कोई और नहीं बल्कि एक खरगोश होता है। अब तो मेरा मन उड़ गया भाई इस खरगोश से। वैसे अगर आप भी कोई ऐसा खरगोश पालते हैं और वो आपको ऐसी हरकतें करता मिले तो टेंशन मत लेना, क्योंकि ये नॉर्मल है। क्या आपको पता है कि हमारे समाज में सबसे ज्यादा कॉमन मानसिक रोग कौन सा है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो डिप्रेशन एक ऐसा मानसिक रोग है जो कि हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। इस वीडियो को देखने वाले अधिकतर लोग तो राइट हैंडेड ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जो कि लेफ्ट हैंडेड होते हैं? क्या आपको पता है कि जो गाय होती है अगर उसे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाना होगा तो वो आराम से चली जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर उसे उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरना होगा तो वो उसे बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। अब आते हैं अपने आज के आखिरी फैक्ट पर। अगर मैं आपसे पूछूंगी बताओ इस दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा पेड़ पौधे मौजूद है, तो आपका एक सिंपल सा आंसर होगा कि अमेज़न का जंगल। लेकिन नहीं, क्या आपको पता है कि जितने पेड़ पौधे इस जमीन पर मौजूद है उससे कहीं ज्यादा पेड़ पौधे समंदर के नीचे मौजूद है। इस आइलैंड पर 160,000 लोगों को क्यों जिंदा जला दिया था, जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। कुछ इन्फॉर्मेशनल जानने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। खत्म।